जादुई पायल और लहंगों का जादू। मेहंदीपुर गांव में महिमा अपनी माँ गंगा के साथ रहती थी। महिमा जब बहुत छोटी थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद तो मानो गंगा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन गंगा ने किसी तरह से अपने आप को संभाला। मुझे इस तरह से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर मेरी इस मासूम सी बच्ची का क्या होगा? नहीं नहीं, मैं अपने साथ अपनी बेटी की जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकती। मुझे अपनी बेटी को दुनिया की हर दुख से बचाना है। ये सोचकर गंगा काम की तलाश में निकल जाती है। किसी तरह से उसे एक जगह घरों में झाड़ू पोछा का काम मिल जाता है और वो उसी से किसी तरह से अपना गुजारा किया करती है। महिमा बचपन से ही बहुत ही अच्छी और संस्कारी थी। उसका चंचल स्वभाव हर किसी का दिल जीत लेता था, इसलिए गांव में हर कोई उसे बहुत प्यार किया करता था। ऐसे ही कई साल बीत गए। महिमा अब बड़ी हो गई थी और गंगा बेबसी और समय की मार से अपने उम्र से पहले ही बूढ़ी हो चली थी। एक दिन गंगा जब काम से शाम को घर आई तो महिमा अपनी माँ से बोलती है, माँ आपको पता है आज मेरी सहेली प्रिया की शादी है और मैं आज वहीं गई थी। अरे वाह, आखिर क्या सब खाया मेरी बिटिया ने वहाँ? मैंने बहुत कुछ खाया माँ, मैंने वहाँ बड़ी वाली आइसक्रीम भी खाई और भी बहुत कुछ खाया। वैसे माँ मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो बेटा, क्या हुआ? माँ क्या लड़कियों की शादी करनी जरूरी है क्या? आखिर क्यों लोग बेटियों को शादी करके दूसरों के घरों में भेज देते हैं? क्या बेटी माँ बाप के लिए बोझ होती है जो उसके शादी करके पराए घर भेज दिया जाता है? ये तो से किसने कहा कि बेटियाँ बोझ होती है? अरे बेटियाँ तो घर की लक्ष्मी होती है, पर उनकी शादी करना हर माँ बाप का फर्ज होता है और इसे पूरा करना दुनिया का तो दस्तूर है। तो क्या आप मेरी भी शादी करा दोगी? हाँ बेटी, बस यही सपने लेके तो मैं अब तक जीती आ रही हूँ कि एक बार तेरे हाथ पीले हो जाए और तू खुशी खुशी अपने घर चली जाए, फिर मैं भी सुकून से तेरे बाबा के पास चली जाऊंगी। ऐसा मत कहो माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा बाबा नहीं बोल रही, अब जा जाकर सो जा, तेरे सपनों का राजकुमार सपनों में तेरा इंतजार कर रहा होगा। ओफो माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है मुझसे मजाक मत किया करो। अच्छा बाबा ठीक है, जा सो जा मेरा बच्चा। और फिर महिमा एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सो जाती है। लेकिन उसकी माँ के आँखों में नींद कहाँ थी। काश आप जिंदा होते जी, आप होते तो अब तक मेरी बेटी के भी हाथ पीले हो जाते। शादी की उम्र हो गई है बेटी की, पर ये बूढ़ी और लाचार माँ कुछ नहीं कर पा रही है आपके बिना। आप हमें अकेला छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चले गए? अब कैसे मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढूंगी? गंगा अपनी बेटी महिमा की चिंता में सोचते सोचते सो जाती है। अगले दिन, अरे ओ गंगा, कब से बुला रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है, जल्दी बाहर आ। क्या हुआ काकी, इतनी सुबह सुबह? सब ठीक तो है ना? सब ठीक नहीं है, लेकिन तू हाँ कहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। काकी आप क्या बोल रही हो, मैं कुछ समझी नहीं। अभी समझाती हूँ, ऐसी खबर लाई हूँ जिसे सुनकर तू भी खुशी से झूम उठेगी। अरे वो मेरा लखन है ना, वो विलायत से लौट आया है। क्या सच में? बहुत भला बच्चा है, महान हो आप काकी। आपने विलायत भेजकर भी अपने बच्चों में हमारे गांव की संस्कृति बरकरार रखी। मैं अभी महिमा को ये बता कर आती हूँ, महिमा ये सुनेगी तो खुशी से झूम उठेगी, आखिर दोनों की बचपन की इतनी गहरी दोस्ती जो है। अरे पगली, जिंदगी भर क्या दोस्ती ही निभाते रहेंगे, अब तो बस तो शादी की तैयारी कर, क्योंकि अपने लाखन को तुम्हारी बिटिया महिमा बहुत ही ज्यादा पसंद है और उसकी अब विलायत के डॉक्टरी की पढ़ाई भी पूरी हो गई है। अब से वो यही गांव में रहकर गांव वालों की सेवा करना चाहता है। ये सुनकर गंगा के आंखों से आंसू निकलने लगे। अब तू किस लिए रो रही है? काकी आप आज सच में मेरे घर भगवान बनकर आई हो। लाखन बहुत भला बच्चा है और आप एक देवी जैसी माँ हो। आपके घर में जाकर मेरी बेटी के भाग्य ही खुल जाएंगे। और ये आंसू तो खुशी के आंसू है काकी। काकी आप यही रुको, मैं मुंह मीठा कराने के लिए अभी शक्कर लेकर आती हूँ। ये खबर ने तो जैसे मानो गंगा की बूढ़ी हड्डियों में जैसे नई जान डाल दी हो।
उसने जब से ये सुना, खुशी से उसके पैर जमीन पर टिकी नहीं रहे थे। वो खुशी खुशी काम पर चली जाती है। गंगा आज इतनी खुश थी कि उसे होश ही नहीं रहा और गलती से उसके हाथ से एक कांच का ग्लास छूट जाता है और टूट जाता है। गंगा, ये क्या किया तूने? मेरा इतना महंगा कांच का ग्लास तोड़ दिया। लगता है अब तेरा दिल काम करने में नहीं लग रहा है। अब तेरी आराम करने की उम्र हो रही है। चल अब तू घर जा और घर में आराम कर, समझ गई? निकल जा अब यहाँ से। ऐसा मत कहिए मालकिन, इस बूढ़ी माँ पर रहम खाइए। अगले ही महीने मेरी बेटी की शादी होने वाली है। इस समय मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे अभी अब कहाँ काम मिलेगा? कृपया मुझे काम से मत निकालिए। मैंने तुम्हारे इन सब का ठेका नहीं ले रखा है। मैं तुम्हें अब काम पर नहीं रख सकती। इतना बोलकर मालकिन ने गंगा को काम से निकाल दिया। निराश मन से गंगा घर की तरफ निकल गई। घर पहुंचकर वो उदास मन से आंगन में बैठ गई। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है मेरी? जब सब कुछ अच्छा होने वाला होता है, तभी आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? अब मेरी बेटी का ब्याह कैसे होगा? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है और ना ही काम है। अब मैं उसके लिए लहंगे और जेवर कैसे खरीदूंगी? गंगा ये सोच ही रही थी कि उसे बाहर से तेज तेज पायल की छन छन की आवाज सुनाई देती है। गंगा को लगा शायद महिमा आ रही है। महिमा, बेटी महिमा। कोई जवाब नहीं मिलने पर गंगा उठकर पायल की आवाज की तरफ गई। तभी उसने देखा कि एक चमचमाती पायल पेड़ से लटक रहा है और हवा की वजह से उसमें से छन छन की आवाज आ रही है। गंगा ने उस पायल को वहाँ से उठा लिया। ये पायल यहाँ क्यों लटक रहा है? गंगा उस पायल को लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है और उसे घर में रख देती है। थोड़ी देर में उधर से महिमा भी आ जाती है। गंगा पायल का ख्याल भूलकर उसके लिए खाना बनाने में लग जाती है। महिमा ने देखा कि उसकी माँ गंगा बहुत परेशान दिखाई दे रही है। माँ, आप इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटी, वो क्या है ना कि अब तो तू चली जाएगी ना, बस इसलिए थोड़ा दुख हो रहा है। माँ, अगर ऐसी बात है तो आप मना कर दो, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तो बस आपके साथ रहना है। अरे, मैं कहाँ तुझसे दूर रहूँगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारे दिल में रहूँगी। अच्छा सुन बेटी, तुम्हारे लिए एक तोहफा है, लेकिन वो मैं तुम्हें कल सुबह दूंगी। चलो अब खाना खाकर सो जाओ। खाना खाकर महिमा सो जाती है। महिमा के सोने के बाद गंगा उस पायल को लेकर अपनी बेटी के पैरों में पहना देती है। ये पायल मेरी बेटी के पैरों में कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन मैं कितनी बदनसीब माँ हूँ। मैं तो अपनी बेटी की शादी में ना तो उसके लिए एक जोड़ी पायल बनवा पा रही हूँ, ना ही एक बढ़िया सा लहंगा ले पा रही हूँ। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? आखिर कौन मुजलाचार को इस समय काम देगा? कैसे करूँगी मैं ये सब? गंगा ये सोच ही रही थी, तभी अचानक वो पायल चमकने लगी और पूरा कमरा सुनहरा रोशनी से भर गया। रोशनी जब खत्म हुआ, तब उसने देखा उसका बूढ़ा शरीर एकदम तंदुरुस्त और जवान हो गया। गंगा ने जब अपने कमरे में नजर घुमाई तो वो हैरान रह गई। हे भगवान, ये आपकी कैसी महिमा है? ये खूबसूरत सा लहंगा और पायल, इतने सारा सामान मेरे घर में कैसे आ गया? और मैं इतनी ठीक क्यों महसूस कर रही हूँ? गंगा को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये सब कैसे हो गया। ये सारा कुछ कहीं इस पायल की वजह से तो नहीं? हाँ, मुझे लगता है ये जादुई पायल के जादू से ही हुआ है। इसमें से ही अचानक एक रोशनी आई और उसने हमारे जिंदगी को बदल कर रख दी। मैं भी बूढ़ी से जवान और तंदुरुस्त हो गई, वरना इस उम्र में इतनी ताकत का अनुभव मैं नहीं कर सकती थी। अब तो मैं कोई भी काम बहुत ही आसानी से कर सकती हूँ। ये सब इस जादुई पायल के जादू से हुआ है। लेकिन महिमा अगर सुबह उठी और मुझसे इन सब के बारे में पूछी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? गंगा थोड़ी देर तक यही सब सोच रही थी और फिर सो गई। अगले दिन जब महिमा अपनी नींद से जागी, तब उसने देखा उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लहंगा और पायल रखा है और उसका घर बहुत ही कीमती चीजों से भरा हुआ है। उसके पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। महिमा घर से बाहर निकली और उसने देखा उसकी माँ गंगा बहुत ही खूबसूरत और जवान लग रही है। माँ, क्या यही मेरा तोहफा है जो आपने मुझसे कहा था कि मैं तुझे सुबह दूंगी?
महिमा दौड़कर अपनी माँ के पास गई और उसे गले से लगा लिया। लेकिन गंगा महिमा को उस पायल के बारे में कुछ नहीं बताती है। घर में तो इतने अच्छे अच्छे लहंगे और पायल रखे हुए हैं, फिर ये एक पायल मेरे पैर में क्या कर रहा है? मैं तो दूसरे वाला पायल पहनने जा रही हूँ, ये पायल मुझे नहीं अच्छी लग रही। पायल तो दोनों पैरों में अच्छी लगती है। बेटी रुको, उस पायल को मत निकालो, उसे ऐसे ही रहने दो। तब तक तो महिमा अपने पैर से उस पायल को निकाल कर फेंक देती है। पायल एक गरीब लड़की के पास जा गिरा। उस गरीब लड़की ने उस पायल को उठाया और अपने पैरों में पहन लिया। ये देखकर गंगा ने मन ही मन सोचा, धन्य है जादुई पायल, मेरी सारी गरीबी और समस्या को मिटाकर अब ये इस गरीब लड़की की सहायता करने इसके पास चला गया। खैर अच्छा ही हुआ। गंगा उस लड़की के लिए बहुत खुश होती है। अब गंगा के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसने बड़ी ही धूमधाम से अपनी बेटी महिमा की शादी लाखन के साथ कर दी और सभी हंसी खुशी से रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।